सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीवी कॉलर क्लासिक के बारे में। एंड ये ईयरफोन्स फिलहाल लॉन्च हुए थे, थोड़ा सा टाइम हो चुका है एंड थोड़ा लेट भी आ रही है वीडियो, बट देन आई प्रॉमिस इस वीडियो में आपको इस ईयरफोन्स के बारे में सारी डिटेल जानकारी देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आपको मीवी कॉलर 2B के बारे में जानना है तो वीडियो ऑलरेडी लाइव है, यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में होगी या फिर चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना। एनीवेज, मीवी कॉलर क्लासिक आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस में अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं एंड 1000 रुपीज का अराउंड इसका प्राइस है। तो एकदम डिटेल चेक करेंगे कैसा है, इसमें कॉल क्वालिटी वगैरह सब देखेंगे। एंड गाइज, अ स्पेशल थैंक्स टू मीवी फॉर सेंडिंग मी दिस फॉर द रिव्यू। तो गाइज, ज्यादा नहीं वेस्ट करते, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग करेंगे डब्बा टेस्टिंग एंड इन 3, 2, 1। वेल गाइस, डब्बा तो नीचे गिर चुका है तो थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ मैं बिफोर स्टार्टिंग, बट एनीवेज अंदर का चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसको हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे मुझे कटर लेके आया था इस वीडियो में, बट मेरे को कटर की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी ओपन है। तो सबसे पहले हमें बॉक्स के सामने मस्त इसका पिक्चर देखने मिलता है विद कॉलर क्लासिक। अगर बैक साइड की बात करें तो हमें कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है इन ईयरफोन्स के बारे में। इसके स्पेसिफिकेशन एकदम क्विकली बता दूँ, वेल इन ईयरफोन्स में आपको कोई एग्जैक्ट आईपी रेटिंग नहीं देखने मिलती, बट स्प्लैश एंड डस्ट प्रूफ है। 35 to 40 मिनट्स के अंदर ये फुल चार्ज हो जाएंगे। मैग्नेटिक लॉकिंग सिस्टम है इसमें, ये पूरा मेड इन इंडिया है एंड कॉल के लिए हमें MEMS माइक देखने को मिल जाता है। सुपर सॉलिड बेस विद पावरफुल ड्राइवर्स, लाइट एंड कंफर्टेबल है, कान में एकदम इजीली फिट हो जाएंगे एंड स्टीरियो साउंड आपको मिलता है लॉसलेस ऑडियो के साथ। तो ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली चेक करेंगे। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। फाइनली तो इसको मैं स्लाइड आउट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से एंड एज यू कैन सी नाइस और पैकेजिंग है। तो फिलहाल इसको मैं थोड़ा साइड में रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें कॉलर क्लासिक का यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है, उसके बाद में हमें वारंटी इन्फॉर्मेशन एंड वेलकम टू द क्रू क्लब देखने मिलेगा, मीवी की ब्रांडिंग है। उसके बाद में हमें माइक्रो यूएसबी केबल देखने मिल जाती है विद मीवी ब्रांडिंग एंड कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी हमें मिल जाते हैं इस ईयरफोन्स के साथ। तो ओवरऑल एक सही चीज़ है ये। तो गाइज, कुछ इस तरह से ये ईयरफोन्स दिखते हैं एंड माई फर्स्ट इंप्रेशन अगर मैं बताऊँ तो गाइज, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम मुझे फील आ रहा है इनसे। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो टॉकिंग अबाउट द नेक बैंड, एंड गाइज नेक बैंड में एक मेट फिनिश डेफिनेटली है, स्मूथ भी लगता है बट इसमें कोई रबरी फील नहीं है, एकदम प्लास्टिक की फील आ रहा है। टॉकिंग अबाउट द साइड पोर्शंस, यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड पूरा खाली देखने मिलता है, लेफ्ट साइड में हमें कुछ नहीं मिलेगा। एंड अगर राइट साइड की बात करें तो हमें यहाँ पर एक पावर बटन मिल जाता है एंड वॉल्यूम रॉकर्स और एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर। लेट्स सी, तो एज यू कैन सी यहाँ पर एक आपको माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने मिलता है। टॉकिंग अबाउट द बटन्स गाइज, ये बटन्स पे आपको एक रबरी फील देखने मिल जाएगा, रबरी टेक्सचर है। एंड टॉकिंग अबाउट द क्लिक्स, काफ़ी अच्छे से क्लिक साउंड आ रहा है यहाँ पर एंड अच्छा टैक्टाइल फीडबैक है, मुझे इसका बिल्ड सही लगा। एंड वायर्स में भी सेम फील है जो हमें नेक बैंड पे देखने मिल जाता है, थोड़ा सा एकदम रबरी फील आता है बट देन ओवरऑल इट इज़ अ ग्रेट क्वालिटी, काफ़ी सही है। अगर हम लोग बात करें ईयर टिप्स की तो यार ईयर टिप्स मेटल के है एंड ठंडा ठंडा फील हो रहा है एंड पीछे के साइड में मस्त एकदम आपको डिज़ाइन में मीवी की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड ईयर टिप्स भी है, वो भी काफ़ी सॉफ्ट लगे मुझे। तो ओवरऑल इसका जो बिल्ड क्वालिटी लगा है गाइस, बहुत सही बिल्ड क्वालिटी है, आई रियली लव इट। एंड रिसेंटली मैंने पोर्ट्रॉनिक्स के भी अनबॉक्स किए थे, तो कंपेयर टू दैट इसका नेकबैंड मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है कंपेयरिंग टू दैट, बट देन ये सही है। एंड ओवरऑल इसकी टोटल बिल्ड क्वालिटी में उससे ज़्यादा बोलूंगा, लेट्स वेयर इट एंड लेट्स सी। तो सबसे फर्स्ट थिंग, मैंने डायरेक्टली पहन लिया था एंड लेफ्ट एंड राइट रिकग्नाइज करने के लिए वैसे तो आपको यहाँ पर कुछ मिल नहीं जाता है, बटन्स को ही आपको फील करके लेफ्ट एंड राइट करना पड़ेगा, बट आपको नेकबैंड में एक स्लाइट कर्व मिल जाता है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लेफ्ट एंड राइट कहाँ हो सकता है, तो ये एक सही चीज़ है। बट देन बोट रॉकर्स 255 जैसे कुछ एग्जैक्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है टू नोटिस द लेफ्ट एंड राइट। तो गाइज, एज यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास पोर्ट्रॉनिक्स के 2 हार्मोनिक्स 230 ईयरफोन्स भी है एंड दीज आर द मीवी वंस। एंड दोनों अगर देखें तो मीवी का लेंथ जो है वो ओवरऑल बहुत लंबा है, तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, बट देन अननेसेसरी वायर्स भी आपको देखने मिल जाते हैं, टैंगलिंग वायर्स। तो सबसे पहले मैं इसको पहन के देखता हूँ और लेट्स सी कि कैसा फील आता है नेक में। तो ओके, एकदम मैं इतना नहीं बोलूँगा कि ऐसा कुछ तकलीफ हो रही है, एकदम काफ़ी कंफर्टेबल है, नेक के अराउंड भी ऐसा कुछ चुभ नहीं रहा है मुझे। एंड अगर वेट की बात करें तो थोड़ा सा वेट फील हो रहा है मुझे डेफिनेटली। अभी हम लोग चेक करते हैं इसका इन ईयर फील कैसा है, कान में डालने के बाद कैसे फील होते हैं
प्रॉपर फिटिंग है या नहीं। तो आई गेस जो प्री अप्लाइड ईयर टिप्स है वो मेरे कान के लिए थोड़े छोटे हैं, तो उनको मैं चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा लूज़ फिटिंग हो रही है मुझे, इतना एकदम ईजिली अगर मैं जंप वगैरह करूँगा तो आराम से निकल जाएंगे कान से। तो इसका ईयर टिप्स आपको चेंज करना पड़ सकता है अगर आपको एक अगर आपके कान थोड़े बड़े हैं तो। एनीवेज लेट्स कनेक्ट इट। ओके तो एकदम ईजिली आ गया है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अपना जो एवरी टाइम का साउंड रहता है बेस बूस्टेड वाला वही बजाऊंगा मैं, एंड लेट्स कंपेयर, लेट्स सी कैसा ऑडियो क्वालिटी आता है। तो ओके नॉर्मल वॉल्यूम पे बेस उतना बज नहीं रहा है ज़ोर से, बट लेट्स इंक्रीज द वॉल्यूम फुल। ना बेस में मज़ा नहीं आ रहा है यार, लाइक इट्स नॉट अ थम्पी बेस, बज रहा है बट ऐसा फील नहीं हो रहा है, यू नो, एंड वो डेप्थ भी नहीं है बेस में। वेल आउट ऑफ द बॉक्स तो एटलीस्ट यहाँ पर बेस उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो वाई, लाइक ऐसा थम्पिंग बेस नहीं आ रहा है। मे बी बिकॉज इसका जो ईयर टिप्स है वो इतने अच्छे से फिट नहीं हुए कान में, मे बी प्रॉपरली फिट हो जाए, अच्छी सी फिटिंग मिले तो शायद वो फील हो, बट इनिशियल इंप्रेशंस बेस नॉट दैट गुड। फट से कॉल कर लेते हैं, लेट्स सी हाउ इट साउंड्स। तो मैं यहाँ पर कॉल लगा लेता हूँ। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रहा है देखो ठीक से? हाँ आ रहा है। और मतलब कोई बैकग्राउंड नॉइस वगैरह? नहीं नहीं आ रहा, नहीं है। और आवाज कट वगैरह हो रहा है क्या? ऐसा क्लियर आ रहा है? नहीं क्लियर है, क्लियर है पर थोड़ा सा ऐसा इंटेंस आ रहा है ज्यादा, नहीं बराबर था वैसे ही था। सो टॉकिंग अबाउट द कॉल क्वालिटी गाइज, यहाँ पर डेफिनेटली कोई एकदम क्रैकलिंग नॉइस या फिर ऐसा इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, काफी आराम से आवाज जा रही थी सामने वाले पर्सन को। तो आपने रिकॉर्डिंग तो सुनी ली होगी, कॉल का तो आपको आइडिया आ गया होगा। अभी मैं आपको पबजी खेल के दिखाता हूँ कि कैसे उसमें आपको साउंड मिलेगा या नहीं, तो आप थोड़ा सा एक फुटेज देख लो। वेल गाइस अभी हम लोग बात करते हैं वर्डिक्ट की, तो एग्जैक्टली ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो जिस प्राइस पॉइंट पर ये अवेलेबल है उस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, एंड मेरा एक सिंपल आपको आंसर रहेगा कि अगर आपको म्यूज़िक के लिए चाहिए, स्पेसिफिकली आपको बेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर देगा, आपको बेस में उतना मज़ा नहीं आएगा इसमें, लेकिन इतने से थंपिंग या फिर एकदम डीप बेस नहीं फील होता है। बट टॉकिंग अबाउट म्यूज़िक जो है वो काफ़ी क्लियर ऑडियो आता है, जो डायलॉग्स हैं मूवीज़ वगैरह में आपको आराम से सुनाई देंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। इट्स अ नॉर्मल गुड ईयरफोन, गुड क्वालिटी ईयरफोन्स, एंड बेसिकली कॉलिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा हेल्प होने वाला है इससे। तो अगर आपको एक ऐसा ईयरफोन्स चाहिए जो थोड़ा यू नो लंबा हो, अगर आपको एक अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए एंड कॉलिंग आपका ज़्यादा मेन प्रायोरिटी, म्यूज़िक उतना ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट इफ़ एनीवन इज़ वॉचिंग फ्रॉम मे बी आई डोंट नो वाई, बट इसका मुझे बेस उतना नहीं लगा है, एंड पता नहीं मे बी इस ईयरफोन्स में बेस को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया होगा, ऑडियो क्वालिटी या फिर जो कॉल क्वालिटी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया होगा, तो ये भी हो सकता है। बट कट शॉर्ट कंक्लूजन, अगर आपको बेस चाहिए, म्यूज़िक एकदम इन्जॉय करना है, तो दीज आर नॉट फॉर यू। बट अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो जिसको कॉल्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, जिसको अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए अपने फ़ोन एंड ईयरफोन्स के बीच में, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर मे बी कॉलर, एंड बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें, तो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। अगर आपको खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाल दूंगा मैं, तो आप वहाँ पर जाकर खरीद सकते हो इस ईयरफोन्स को। एंड एनी वेज अगर आपको ये वीडियो फॉर एनी रीजन पसंद आता है तो गाइज लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को फॉर मोर सच कॉन्टेंट, एंड इसमें देर साइनिंग ऑफ योर वॉचिंग एलिमेंट टेक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।